अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो स्पेशली करंट सिचुएशन पे है। क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन, स्टे होम सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इस सिचुएशन में स्ट्रेस और एंजाइटी तो हम सबको है और ये नॉर्मल है। इट्स फाइन कि अगर आपको स्ट्रेस है सो इट्स ओके। हम सबको है, हम सबको इस सिचुएशन में है, मुझे भी है और ऑफकोर्स के जो आप फील कर रहे हैं वो सब में है। लेकिन सिर्फ यही न्यूज़ लेते रहना और नेगेटिव सोचते रहना और टीवी देखते रहना, मूवीज़ देखते रहना और खाते रहना इज़ नॉट हेल्दी। हम एक हफ्ता दो हफ्ते तो रह सकते हैं लेकिन अब इतने मोर देन वन मंथ समवेयर, तो एक महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो लोग सिर्फ घरों पे रहें और यही करें तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ना सिर्फ मेंटली ये अच्छा नहीं है, फिजिकली भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके हैं। तो यहाँ पे मैंने आज आपको ये भी कहना था कि आई नो कि मैंने ये पढ़ा था किसी बुक में भी, मैंने ये बुक में और रिसर्च में भी शोज करते हैं कि इंसान अगर किसी कंडीशंस में रह जाए ना 21 डेज तक, सपोज अगर आप खुश हैं, अगर आपको कोई चीज़ एक्साइटिंग करती है, अगर आप 21 डेज के लिए करें ना, तो आपके आफ्टर 21 डेज ना आप में वो एक्साइटमेंट नहीं होगी जो आपको फर्स्ट डे में हुई होगी। तो इसी तरह जब इंसान को कोई दुख, कोई स्ट्रेस या कोई सिचुएशन जो अच्छी नहीं होती, जो नॉर्मल रूटीन से हट के होती है, फर्स्ट डेज में उनको उसको अच्छा नहीं फील करती, वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, उस वक्त को एडजस्ट नहीं कर पाता, लेकिन 21 डेज तक करने से उस रूटीन का आदी हो जाता है, फिर उसको वो फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई एम श्योर कि अब आपको जो जो आज सिचुएशन है वो आपकी फर्स्ट डे में जब लॉकडाउन हुआ था, क्वारंटीन हुआ था, उस वक्त जो फीलिंग थी वो अब आपको थोड़ा इतनी नहीं कर रही होंगी, इतनी वो अनयूजुअल नहीं लग रही होंगी जो पहले दिन थे थी। तो इसलिए इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि अच्छे दिन जब नहीं रहते ना तो बुरे भी नहीं रहेंगे। अल्लाह पर ट्रस्ट रखें, इंशाल्लाह ये जो सिचुएशन है जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप फिर इसी को मिस करेंगे कि आफ्टर क्वारंटीन आपने कहना है कि कितना मज़ा आता था, फैमिली इकट्ठे रहती थी, इकट्ठे खाना खाती थी और स्पेशली बच्चों ने कहना था हम तो स्कूल नहीं जाते थे, देर से उठते थे। तो इंसान जो है ना, मैन इज़ थैंकलेस, किसी हालत में खुश नहीं है। तो आप खुश रहें, खुश होने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो उनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी सिचुएशन, अपनी सेहत, अपनी सोच को बदल सकते हैं खुद से। तो मेरे पास 10 टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं या हैबिट्स हैं, आप जो भी कह लें। सो मैंने खुद अप्लाई किया तो मुझे अच्छा फील हुआ, तो मैंने कहा मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोग इसे शेयर करूं, हो सकता है आप लोग इसको अपनी रूटीन में लाएं तो आपको भी अच्छा लगे। चाहे ये 30 मिनट्स की ही हो, 1 आवर के लिए ही हो, आपका अपना टाइम हो, अगर आपको मेंटली अच्छा लगे तो आप थोड़ा रिलैक्स तो हों, मेरी अगर ये टिप्स आपके काम आ जाएं तो लेट्स वॉच इट। नंबर वन, प्लान योर डे। आप अपना डे प्लान करें, आप पहले से नेक्स्ट डे आपने सुबह क्या करना है, खाना पकाना है, ब्रेकफास्ट करना है, क्लीनिंग करनी है घर की, क्योंकि क्लीनिंग के लिए तो काम वाली आ नहीं रही है, तो आपको अपना डे पहले से प्लान करें ताकि आपको ये बर्डन ना लगे। आप अपने 3 मेजर टास्क लिख लें जो आपने सुबह करने हैं या द होल डे आपने करने हैं, आयरन करने हैं, कल आपने लॉन्ड्री करनी है, तो हर चीज़ को प्लान करें, तो ये आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस में जाने वाले हैं, अगर आपके घर में कोई ऑफिस, स्कूल में बच्चे स्कूल में जाने वाले थे, तो आप उनकी रूटीन को सेट रखें ताकि अगर ये स्टे होम की सिचुएशन, ये अल्लाह करे कि ये सिचुएशन ख़त्म जल्दी हो, तो आपकी वो रूटीन सेट रहे, आपके उठने की हैबिट चेंज ना हो, तो आप उसी रूटीन को नॉर्मल रखें, अलार्म लगा के उठें जैसे आपकी रूटीन पहले चल रही थी। आप कोशिश करें कि आप करीब से करीब उस टाइम उठें, ज़्यादा देर तक मत सोएं जैसे ऑफिस में जाते थे, उस रूटीन को कंटिन्यू रखें। टिप नंबर 2, आप
बी रिलैक्स और बी हैप्पी और सिचुएशन को लाइटन करें। ये स्ट्रेस है, सिर्फ कीप आप सिर्फ उसको न्यूज़ को मत देखते रहें, सोशल मीडिया में मत लगे रहें, फ़ोनों पे मत लगे रहें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मत लगे रहें, शेयरिंग में ना मत लगे रहें, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है। आई नो कि आपको कनेक्शन ज़रूरी है, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी लें जितना कि आप को चाहिए अवेयर रहने के लिए, इस डिजीज से अवेयर रहने के लिए। तो आप कोई लर्निंग कर लें, आप लैंग्वेज क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुकिंग का भी बहुत अच्छा आइडिया, अगर आपको कुकिंग आती है, बेकिंग नहीं आती, आप बेकिंग की क्लासेस ले सकते हैं। फॉर मी, मुझे बेकिंग आती है, मैं अच्छी से बेकिंग केक वगैरह बनाती हूँ, पिज़्ज़ा, लेकिन मुझे अपनी ट्रेडिशनल डिशेज में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने वो कुकिंग स्टार्ट कर लिया। मैं अपनी सिस्टर्स से सीख रही हूँ, ऑनलाइन सीख रही हूँ कि पाकिस्तानी और इंडियन डिशेज़ कैसे बनती हैं, ट्रेडिशनल डिशेज़। तो वो सीखना एक अच्छी चीज़ है, और आप का मेंटली भी बिजी रहेंगे, और आपको एक प्रोडक्टिव रहने का भी एक सेंस और एक खुशी सी मिलेगी कि आप कुछ कर रहे हैं पॉजिटिव। और नंबर 3, जो मेरी नंबर 3, यस नंबर 3, आप कोई गेम्स खेलें, ऐसी गेम्स जो गेम्स खेलने बजाय कि हम बैठे रहें और डिस्कशन करते रहें, नेगेटिव फोन्स पे लगे रहें। तो आप बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं, या अंताक्षरी खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कोई भी गेम्स है जो आपकी फैमिली के साथ हो, एंटरटेनमेंट वाली, आप वो खेलें। क्लोज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफ कर दें, शट डाउन कर दें, और इस तरह एक कम्युनिटी के तौर पर इकट्ठे, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं होगा, अभी सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हैं, तो इस टाइम को एंजॉय करें। नंबर 4, इंडोर पिकनिक मनाएं। यस, इंडोर पिकनिक, घर के अंदर रह के आप पिकनिक जैसा समा बना सकते हैं। आप अच्छे से खाना बनाएं, बच्चों के लिए पिज्ज़ा बनाएं, चिप्स बनाएं, इवनिंग टी में अच्छे से पकौड़े बनाएं, तो इकट्ठे बैठें डाइनिंग टेबल में, इकट्ठे अरेंज करें, एक पिकनिक जैसा माहौल बनाएं कि आप सब इकट्ठे हैं और उस चीज़ को खाने को एंजॉय करें पिकनिक के तौर पे। जैसे आप आउटडोर स्पेशली अरेंज करके स्पेशली खाना बना के बाहर जाते हैं, तो उस तरह से आप इंडोर पिकनिक जैसे सिचुएशन बनाएं, तो ये एक अच्छी चीज़ लगेगी आपकी फैमिली को भी, आई होप। एंड नंबर 5, डीप क्लीनिंग। यस, डीप क्लीनिंग, ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप घर पे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, बच्चे स्कूल में भी नहीं जा रहे, और आप ऑफिस में अगर आप काम करने हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि एक कॉर्नर को रिसाइड कर लें, एक कबर्ड को साफ कर लें। आप विंटर से समर और समर से विंटर, जो भी यहीं भी आपका जो जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, जहाँ समर से विंटर आ रहा है, विंटर से समर जा रहा है, तो आप उस चीज़ को अपने कबर्ड से क्लीन करें, डीक्लटर करें, कुछ कपड़े डोनेट करें, आप जो रखना चाहते हैं वो करें। ये बेस्ट टाइम है आपका, इसको अवेल करें। सॉरी, मैंने नंबर भूल गई सिक्स इस टिप टिप को को मेंशन मेंशन करना, करना। मेरी नंबर 6 टिप है कि आप किसी किस्म की भी एक्सरसाइज करें, 10 मिनट्स, बेशक कोई वॉक करें या योगा करें अपनी रूटीन में। नंबर 7, सेल्फ केयर। यस, अपना बहुत ख्याल रखें। आई नो कि स्पा ओपन नहीं है, सलून ओपन नहीं है, मैनीक्योर कैसे करें, पेडीक्योर कैसे करें, फेशियल कैसे करें, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, व्हाई नॉट। ये टाइम है, अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखें सेल्फ केयर पे, होम फेशियल्स पे, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन। आप किसी भी वीडियो पे लाइक करें, जो आप होम मास्क बनाएं, अपने आप को मास्क लगाएं, टेम्परेली तौर पर 1 आवर 30 मिनट्स अपने आप को दें, अपनी सेल्फ केयर पे दें, तो ये ना सिर्फ आपका स्ट्रेस कम करेगा, बल्कि आपके मूड को भी बूस्टअप करेगा, आपको अच्छा पॉजिटिव मूड देगा, और यू विल फील एनर्जेटिक ऑल्सो। सो ट्राई इट। टिप नंबर 8, रीड बुक्स, एनी इंफॉर्मेटिव बुक्स। अगर आपको अच्छी लगता है, बुक रीडिंग अच्छा लगता है, तो आप कोई इंफॉर्मेशन बुक्स पढ़ लें। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं इसको मत देखें, आप अपना फोन साइलेंस करें थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 30 मिनट्स आप डे में निकालें, कोई अच्छी इंफॉर्मेटिव बुक्स पढ़ें। अगर आप बुक्स रीडिंग में नहीं हैं, तो मैगजीन पढ़ लें, डाइजेस्ट पढ़ लें। और अगर आप रीडिंग में नहीं है, आप टोटली आपको रीडिंग अच्छा नहीं लगता, तो आप लिसनिंग कर लें, ऑडियो बुक्स हैं, आप पॉडकास्ट हैं, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों के होम ट्यूशन कर सकते हैं, आप बच्चों की बुक्स ओपन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, ट्यूशन भी नहीं जा रहे, तो आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं उनकी स्टडीज़ में। एंड टिप नंबर 9, गुड नाइट स्लीप।
अपनी स्लीप का बहुत ख्याल रखें। आई नो कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, ऑफिस में नहीं जा रहे लोग, तो तीन तीन चार चार बजे तक हम जाग रहे हैं, हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मोबाइल्स पे, सोशल मीडिया पे लगे हैं। तो डोंट रूइन योर रूटीन, आप अपनी रूटीन को ख़राब मत करें। जैसे पहले रूटीन थी उस रूटीन के मुताबिक चलें, प्रॉपरली रात को सोएं, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ ब्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 to 8 आवर्स स्लीप ज़रूर लें। टिप नंबर 10, जो मेरी लास्ट टिप है और मेरी एडवाइस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं समझती हूँ कि क्लोज टू योर सोर्स, वट एवर इज़ योर सोर्स, अल्लाह, भगवान, जीसस, आप जिसको भी मानते हैं, तो आप बी क्लोज टू योर सोर्स। स्पिरिचुअली आप क्लोज हो जाएं अपने सोर्स के साथ, आप अपनी स्पिरिचुअली जितना आप होंगे आपको पीस और काम मिलेगा, इसमें बहुत सुकून मिलेगा। मैं और हर रिलीजन में ये कहा भी जाता है कि एवरी डार्कनेस के बाद एक लाइट है, तो हर अंधेरे के बाद एक रोशनी ज़रूर आती है। तो उस तक के लिए, रोशनी हासिल करने के लिए या रोशनी देखने तक के लिए आपको सब्र और पेशेंस से काम लेना है, और हमारा दिन भी यही हमको कहता है। तो बी पेशेंट, बी काम, सो टेक केयर योर सेल्फ एंड बी पॉजिटिव। सो इंशाल्लाह ये जो वक्त है ये भी जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन हमको सब्र के साथ काम लेना है और घर पर रहना है। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने का। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप मिस ना करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।